दुनिया में आजकल जमकर शहर में विकास की बातें की जाती है और कहा जाता है शहर में विकास किया जा रहा है। ऐसे में यदि बात करें तो नगर सेवकों के कार्यकाल समाप्त हो गए हैं, लेकिन कई जगहों पर जो है अब आमदार विकास कार्य का उद्घाटन और भूमि पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी है जहाँ ना तो आमदार और ना ही नगर सेवक उन समस्याओं का हल निकाल पाए। ऐसे में शहर की यदि बात करें तो पानी की जटिल समस्या है, कई जगहों पर समस्याएं हैं लेकिन उसे जो हल नहीं किया जाता, लेकिन पानी पर अगर राजनीति की जाए तो बड़ी की जाती है। ऐसे में हमने आपको जो है कुछ समय पहले बताया था कि उल्लासनगर कैंप क्रमांक 4 में पानी की किल्लत है कुछ जगहों पर माड़ा सेक्शन की, जिसको लेकर उपोषण पर भी बैठा गया था और आप देख लीजिए कि इन गड्ढों को खोदा गया था, इन गड्ढों को खोद कर कपगरी बन नाना करके अगर हम बात करें तो महीने से ज़्यादा हो चुका है, ना तो समस्या का हल निकल पाया और ना ही ये गड्ढा यहाँ पर भर पाया। और सबसे बड़ी चुनौती वाली बात यह है कि इस रास्ते को आप देख लीजिए, ये रास्ता जो है जाना पहचाना सा होगा, जब आप यहाँ से रोज़ गुजरते हैं बरसात के समय सबसे ज़्यादा जानलेवा होता है, लेकिन 12 महीने ही इसकी हालत इसी प्रकार से होती है, बन तो जाता है लेकिन फिर से खोद दिया जाता है, ये कह के कि काम किया जा रहा है विकास का, पानी की पाइपलाइन का काम किया जा रहा है और यहाँ पर रोज़ाना जो है दुर्घटनाएँ होते हैं, नागरिक जो है दुर्घटनाओं में जख्मी होते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। दादा रुकिए रुकिए रुकिए, आप इस रास्ते से रोज जाते हैं? ये रास्ते का जो गड्ढा है या फिर ये जो हालत है कभी से है? ये बहुत दिनों से है। कितना समय हो गया होगा ये? कम से कम अभी तो 1 साल से हम देख ही रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो कभी भरा गया इसे या फिर क्या? ये भरना और निकलना लगा ही रहता है। लगा ही रहता है और कभी मतलब ऐसा कुछ पुख्ता ऐसा कुछ काम नहीं? नहीं, पक्का काम करते ही नहीं है। उल्लास दिक्कतें होती होगी उल्लासनगर में, आधे से ज़्यादा रास्ते ऐसे ही हैं। अच्छा, यानी कि आप मानते हैं कि ऐसे विकास कुछ हुआ है शहर में, लगता है ऑटो वाले हैं आप? अरे हम विकास के बारे में क्या, जनता खुद ही बताती है और ये रोड के हालत से मालूम पड़ता है कि विकास किस तरफ जा रहा है और कैसे हो रहा है। क्या बात है, देखिए बड़ा बेहतरीन कहा है इन्होंने कि ये रास्ता ही खुद बता रहा है कि विकास किस तरफ जा रहा है और विकास किस तरीके से हो रहा है। और भी जानने की कोशिश करते हैं शहर में जिस तरीके से विकास की बात की जाए, देख लीजिए रात के समय में ये घातक होता है, दुर्घटनाएं यहाँ पे हो रही है। कुछ दिन पहले एक जो है बयान आया था सोशल मीडिया में कि रास्ते से जब आमदार महोदय जा रहे थे तो उन्होंने एक जगह देखी, नाले को देखा, कहा ये नाला इस तरीके से भरा क्यों है, चलो इसे बना देते हैं, और उसे बनाने का भूमि पूजन किया गया, लेकिन इस समस्या को जो है हल नहीं किया गया। ऐसे और भी लोग हैं जिनसे जानने की कोशिश करते हैं। दादा रुकिए, आइए थोड़ा साइड में आइए। रोजाना आप यहाँ से जाते हैं, ये रास्ते का जो गड्ढा है, ये जो हालत है, ये कभी से? ये बहुत दिन हो गया, बहुत सालों से। कितने सालों से? बहुत साल हो गए, वो थोड़ा सा मिट्टी डालते और बना के बस। अच्छा, हाँ लेकिन बहुत तकलीफ है आने जाने का। तो देख लीजिए कितना यहाँ पर जो है दिक्कत है, तकलीफें हैं, जानने की कोशिश करते हैं। रुकिए, सबसे ज़्यादा जो है रिक्शा चालक और टू व्हीलर जो है परेशान रहते हैं रास्तों के गड्ढों से। क्या जो गड्ढे हैं ये कितने समय से? बहुत समय से। कितना समय हो गया रहे? अभी भी 4 महीना 3 महीना के आसपास है। शहर में नेता विकास की बातें करते हैं, विकास कहीं नज़र आता है? अभी वो तो मुझे नहीं मालूम। अरे विकास कहीं नज़र आता है कैसे, जिस तरीके से बात की जाती है? थोड़ा फर आ रहा है। अच्छा, क्या नज़र आया आप? मतलब जो खड्डे बना रहे बन ये हो गया तो उसको काम कर रहे। अच्छा, थोड़ा फर ठीक है। कुछ लोगों का कहना है कि काम हो भी रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि काम नहीं भी हो रहा है। दादा रुकिए, दादा अरे दादा भाग किधर रहे हो? दादा भाग गए यहाँ से, लोगों से जानते हैं। रुकेंगे हाँ, ओके रुको रुको दादा, 2 मिनट रुको। दादी आपसे जानना चाहेंगे, रास्ते में जब चलते हो तो गड्ढे के वजह से दिक्कतें होती है? हैं, खड्डे बहुत है, बहुत है। परेशानी होती होगी? हाँ। अच्छा, दादा विकास की बात है, शहर के नेता करते हैं, विकास हुआ है? कसला विकास झाला? कोणत्या गोष्टीत विकास झाला तो सांगा आधी। अच्छा, मग विकास कोणत्या गोष्टी झाला आहे? जिथं खड्डा भरतात खोदतात ते वापस भरायला कोणी येते पुढं? वापस त्या एरियातलं नगरसेवकाचं काम आहे ना बाबा, इथं खड्डा खोदलाय तुम्ही तर पुन्हा भरा म्हणून सन कुठे आहे, कोणी आहे का जागेवर? बोलून काही फायदा नाही साहेब कोणाला। देखिए जनता का अब कहना यह है कि बोल के कोई फायदा नहीं है, विकास तो कहीं पे हुआ नहीं, लेकिन परिस्थितियां जो कि त्यों हैं। अब देख लीजिए एम्बुलेंस भी आ रही है और एम्बुलेंस भी इसी रास्ते के गड्ढे से गुजरते हुए जाएगी। विकास की बात करने वाले नेता बड़ी बड़ी 4 व्हीलर में घूमते हैं, उन्हें इन गड्ढों का एहसास नहीं होता, लेकिन हम कहना चाहेंगे कि कभी ना कभी तो आप 2 व्हीलर में जाइए, ऑटो रिक्शा में घूमिए, शहर में विकास किस प्रकार से आपने किया है ये नज़र आएगा।